सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय न्यू वीडियो। एंड गाइस मुझे मालूम है इस वीडियो में और जो पिछली वीडियो में है, मतलब मेरे हर एक वीडियो में काफ़ी गैप आ रहा है। इस पिछले एक महीने में काफ़ी गैप आ चुका है मेरी हर वीडियो में। एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज यार ऑफिस है और ऑफिस से घर आने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत क्योंकि जाम है। जो भी लोग गुड़गांव में जॉब करते हैं, दिल्ली के जो जाते हैं गुड़गांव में, तो उनको पता होगा कि कितना जाम लगता है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ और वीडियो पे काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो गाइज आई एम रियली सॉरी, पर जल्दी ही इसका जो सॉल्यूशन है मैं निकाल लूँगा और वीडियो जल्दी आने लग जाएगी। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो कुछ खास है, आई एम मॉडिफाइंग द ऑल न्यू जावा 42 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। जावा ने 3 बाइक लॉन्च किए, तो उसमें से एक ये जो बाइक है जावा 42, ये मैं यहाँ पे आज इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। एंड आई एम मॉडिफाइंग दिस बाइक इनटू अ स्क्रैम्बलर, और जो लुक है वो मैंने डुकाटी स्क्रैम्बलर से लिया है। थोड़ा बहुत जो लुक है वो मैंने डुकाटी स्क्रैम्बलर से लिया है। एंड गाइस सीरियसली बताऊँ, द बाइक इज लुकिंग सो ऑसम। एंड अगर तुम सबको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, तो यहाँ जाके मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पे कई सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज डालता हूँ, अपना अलग अलग व्लॉग डालता हूँ। प्लस गाइज अगर मुझे फेसबुक पे भी मेरे को फॉलो करना है, मेरा फेसबुक के भी पेज है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पे भी मैं कई सारे वॉलपेपर्स डालता हूँ जो कि तुम अपने फ़ोन पे लगा सकते हो। सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कर लो वीडियो स्टार्ट करने से पहले। एंड अगर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखनी है या जो मैंने अपनी रिसेंटली जो वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पल्सर को मॉडिफाई किया था, तो यहाँ पे क्लिक करो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो गाइस सबसे पहले एज यू कैन सी आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द टायर्स, मतलब मैं जो टायर्स है वहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। एंड जो टायर्स है वो मैंने जैसे तुम्हें बताया था डुकाटी स्क्रैम्बलर का इसमें लुक लिया है, तो टायर्स इसमें मैंने डुकाटी स्क्रैम्बलर के लगाए हैं। थोड़ा ऑफ रोडिंग टायर्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। गाइस एज यू नो मेरी जो फेवरेट बाइक है, ड्रीम बाइक है, वो डुकाटी स्क्रैम्बलर ही है। और यहाँ पे जो इसका फ्रंट एंड बैक और जो इसका एग्जॉस्ट है वो मैंने सिर्फ डुकाटी स्क्रैम्बलर से लिया है और किसी से नहीं लिया। लुक मैंने उसी से लिया है। एंड यहाँ पे जो पूरा पेस्ट मैंने कर दिया टायर्स, वो मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ। प्लस जो तुम देख सकते हो जो बाइक का ओरिजिनल बाइक में जो उसका रियर था वो मैंने यहाँ पे हटा दिया, बिकॉज उसको मैं बनाऊंगा, वहाँ पे एक मैं सीट कवर लगाऊंगा जो कि एक सिंगल जो सिंगल राइडर है वो इस बाइक को चला पाएगा। और सेम वो चीज वो भी मैंने डुकाटी स्क्रैम्बलर से ली है। एंड गाइज ये जो बाइक है, अब मैं इसके बारे में मैंने पढ़ा था 42 के बारे में, काफ़ी अच्छी है। इसका जो राइवल है वो हम सबकी बुलेट है, तो देखते हैं अभी कितना जब मार्केट में आती है कितनी चलती है, लोग कितना इसको अप्रिशिएट करते हैं। एंड जो मॉडिफिकेशन मैं अभी इस बाइक पे कर रहा हूँ गाइज, ये 100% पॉसिबल है, कोई भी वर्कशॉप इसको कर सकती है, इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है करने में। एंड एज यू कैन सी जितनी भी चीज़ें मेरे को इसमें लगानी थी वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। नाउ डूइंग सम डिटेलिंग वर्क जो कि इसमें चाहिए मेरे को, और जितने भी शेडोज है, ब्राइटनेस है, वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। प्लस गाइज लोग में से अक्सर पूछते हैं कि जो ये मॉडिफिकेशन तुम कर रहे हो, अगर मैं इसको असली में करवाऊंगा तो कितने पैसे लगेंगे या कितने नहीं। तो गाइज ये डिपेंड करता है उस वर्कशॉप पे, वो कितने पैसे इस पे लगा, कितने चीज़ें इस पे लगा, किस क्वालिटी का सामान लगा रहा है, क्योंकि बात एंड में जो आती है वो क्वालिटी पे डिपेंड होता है कि कितनी क्वालिटी पे तुम इसमें सामान लगा रहे हो, कितनी क्वालिटी का तुमने इसमें चीज़ें लगाई हैं, क्या क्या तुम इसमें यूज़ कर रहे हो, लाइट्स जो है वो लोकल है या कंपनी वाली है, तो ये सारे डिपेंड वर्कशॉप पे रहता है। नाउ यू कैन सी जो इसका मैंने यहाँ पे विंडशील्ड मैंने एक इंस्टॉल की है, ये विंडशील्ड मैंने डुकाटी से नहीं ली, कोई अलग बाइक थी उससे मैंने ये विंडशील्ड ली है। एंड द विंडशील्ड इज प्रॉपरली फिटेड ऑन इट, और ये विंडशील्ड भी अगर तुम किसी भी वर्कशॉप पे जाओगे तो वो वर्कशॉप इसको अच्छी तरह से लगा देगी, क्योंकि विंडशील्ड क्या होता है प्लास्टिक से बनती है, तो विंडशील्ड तुम कहीं से भी बना सकते हो, किसी भी साइज में, किसी भी एंगल में, किसी भी शेप में वो बन सकती है। जो इसका हैंडल बार है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की है, क्योंकि अगर तुम इसको बनवाओगे ऐसी इस बाइक को तो ऑफ रोड तो बनता ही है, तो ये एक लुक के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। प्लस जो इस पे हैंडल पे मिरर्स है वो बाइक के मिरर है, उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया। एंड नाउ द बाइक इज़ ऑलमोस्ट डन। अब जो इसमें अनवांटेड इमेजेस थी जैसे वाइट तुम देख रहे हो टायर्स में, वो मैं हटा रहा हूँ। और उसी के साथ साथ गाइज अगर कोई अभी तक इस मॉडिफिकेशन को देख रहा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, लाइक करे बिना प्लीज़ जाना मत। प्लस गिव मी योर फीडबैक्स अबाउट दिस मॉडिफिकेशन कि तुम्हें कैसी लगी कैसी नहीं। एंड तुम देख सकते हो जो इसका इंडिकेटर है वो भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए, क्योंकि वो जो है थोड़े ऑड लग रहे थे। जो इसका पीछे का मैंने जो आप तुम देख सकते हो रियर में इंडिकेटर चेंज है, तो यहाँ पे मैंने इंडिकेटर चेंज कर दिए। एंड द बाइक इज लुकिंग सो ऑसम, पूरा एक लुक है वो पूरा चेंज हो गया, जैसा इसका 42 का लुक था वो पूरा हट के एक अलग लुक आ रहा है, पूरा बाइक का एक अलग फील आ रहा है। एंड गाइस दिस बाइक इज लुकिंग सो गुड सो ऑसम। अब बारी आती है इसकी बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड यहाँ पे लगा दिया है मैंने। एंड नाउ द फाइनल इमेज ऑफ दिस बाइक इज दिस।
So guys, this is the final image and as you can see the bike is looking so awesome. मैंने पूरी bike change कर दी and मैं चाहता हूँ कि तुम सब इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share करो, पहुँचा दो इस video को जावा तक और वो भी एक ऐसी scrambler बनाए, क्योंकि तुम सबको मालूम है कि जावा ने भी तीन बाइक लॉन्च करी है, जावा बॉबर, जावा क्लासिक एंड जावा 42. और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी scrambler बने, जावा ऐसी एक स्क्रैम्बलर बनाए जो कि मार्केट में आग लगा देगी सच बताऊं तो. एंड गाइस, अगर तुम्हें मॉडिफिकेशन अच्छी लगी, क्योंकि मुझे मॉडिफिकेशन काफ़ी अच्छी लग रही है और अगर तुम्हें भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. लाइक करे बिना प्लीज़ जाना मत. प्लस कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दो, अच्छी फीडबैक दो, बुरे लो मुझे बताओ कि इसमें मुझे क्या क्या और चेंज करना चाहिए, क्या क्या नहीं, क्या क्या उसमें और लगाओ मुझे बताओ. और अगर यहाँ नहीं बता सकते तो प्लीज़ जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ जाके मुझे बताओ कैसी लगी ऐसी नहीं. और फेसबुक पे इसका वॉलपेपर मैं शायद बनाऊंगा, अगर नहीं बनाया तो वहाँ पे काफ़ी सारे वॉलपेपर्स हैं जो तुम अपने फ़ोन पे लगा सकते हो, तो वहाँ जाके तो उसको डाउनलोड कर लो. सो गाइस, दैट्स ऑल. नई वीडियो जल्दी आने वाली है एंड इस बार सीरियसली बता रहा हूँ, नई वीडियो जल्दी आएगी. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट.